नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम पाब्लो पिकासो के जीवन की एक घटना देखने वाले हैं। इसमें मैं वो तीन टिप्स बताऊंगा जो आपके जीवन की दशा और दिशा बदल देंगे। तो प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो एक होटल में ठहरे हुए थे। वहाँ एक महिला ने उन्हें देखा। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ कि वो सचमुच पाब्लो पिकासो को देख रही है। वो पिकासो के पास गई, वो बोली, सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, क्या आप मेरी एक तस्वीर बना सकते हैं? इस पर पिकासो बोले, माफ़ करना, मैं यहाँ घूमने आया हूँ, मैं अपने साथ कोई पेंटिंग का सामान नहीं लाया हूँ। पर उस महिला ने बार बार पेंटिंग बनाने के लिए रिक्वेस्ट की। खैर, पिकासो मान गए। उन्होंने वेटर से एक कागज़ और पेंसिल मंगवाए और महज 30 सेकंड में उस महिला का स्केच बनाकर उसे दिया और बोले, ये लो, ये एक $1 मिलियन की पेंटिंग है। उस महिला को खूब आश्चर्य हुआ कि एक पेंटिंग के $1 मिलियन। वो रात भर सो नहीं सके और अगले दिन उस स्केच को लेकर एक आर्ट गैलरी में गई और उसकी कीमत पूछी। तो एक्सपर्ट ने बताया कि इसकी कीमत कम से कम $1 मिलियन है। और वो महिला वहाँ से सीधे पिकासो के पास गई और बोली, आपने सच कहा है, ये पेंटिंग सचमुच $1 मिलियन की है। आपने महज 30 सेकंड में $1 मिलियन की पेंटिंग बनाई, प्लीज़ मुझे भी ये कला सिखा दो। इस पर पिकासो ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपको ये कला सिखाऊंगा, पर उससे पहले मेरी तीन बातों को आपको ध्यान से सुनना होगा। ये जो तीन सीख है, इनको जीवन में उतारना होगा। तो पहली बात ये कि ये जो पेंटिंग मैंने 30 सेकंड में बनाई, इसे सीखने के लिए मैंने 30 वर्ष लगाए। मेरे दोस्त हर 5-10 साल पर पैसों की खातर अपना व्यवसाय बदल देते थे, पर मैंने जीवन का लक्ष्य निश्चित किया और पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। मैंने पेंटिंग को खाया पिया, मैंने पेंटिंग को जिया, इसलिए मैं आज इतना सफल हूँ। नंबर 2, मैंने पैसों की खातिर पेंटिंग नहीं सीखी। मैंने पेंटिंग सीखी क्योंकि मुझे पेंटिंग से प्रेम हो गया था। अब ये जो इज्जत, शोहरत, दौलत, ये जो कुछ भी देख रहे हो, ये इस समर्पण की, इस डेडिकेशन का बाय प्रोडक्ट है। जब आप कोई काम पूरे समर्पण के साथ करते हो तो सफलता झक मार कर आपके पीछे आती है। नंबर 3, कोई पैदाइशी जीनियस नहीं होता। जीनियस वो होता है जो लगातार प्रैक्टिस करता है। मैं कोई पैदाइशी पेंटर नहीं था। मैंने इस कला को सीखा और लगातार 30 वर्षों तक प्रैक्टिस की, तब जाकर मुझे ये कला आई है। पाब्लो पिकासो की ये कहानी दिखाती है कि जिंदगी में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। जिंदगी एक कैफेटेरिया है, आप जो चाहो वो आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।